मनाले साहेब अतिरिक्त आयुक्त यांना मी विनंती करतो की आपण या ज्योतीचं प्रज्वलन करावे. हर्षाली वर्तक आंतरराष्ट्रीय गिर्यारोहक आपल्या वसईचे आहेत. आपण डोंजा टाळ्यावरून त्यांचं अभिनंदन करूया आणि त्यांच्या हस्ते आपल्या 24व्या कलाखंड महोत्सवाचं या ठिकाणी उद्घाटन होत आहे. क्रीडा विभागाचं उद्घाटन, कला क्रीडा महोत्सवाचं उद्घाटन. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव. आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर. वसई विरार महानगर पालिका में हर साल विद्यार्थी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए कला क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है. पिछले 26 सालों से यह आयोजन लगातार सतत जारी है. पहले जब वसई नगर परिषद थी, नगर पालिका थी, तब नगर पालिका इसमें सहयोग करती थी, और अब जब से महानगर पालिका का गठन हुआ है, महानगर पालिका शालेय कला क्रीड़ा महोत्सव को अपना सहयोग प्रदान करती है. शालेय कला क्रीड़ा महोत्सव का ये 26 सालों से ये शुरू है. पिछले 2 साल कोरोना अगर निकाल दिया जाए तो 24वां ये संस्करण इस साल रनिंग है, चल रहा है. ये 3 चरणों में होती है. वसई विरार महानगर पालिका के 9 प्रभाग है. 9 प्रभाग में से 2 प्रभाग विरार में वो शालेय कला क्रीड़ा वहाँ की हो चुकी है. इस समय प्रभाग GHI ऐसे 3 प्रभाग की है. दूसरा चरण इस समय शुरू है. आज यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ वसई के YMCA ग्राउंड में. कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें आमदार, पूर्व महापौर और कई नगर सेवक यहाँ शामिल थे. इस पूरे कार्यक्रम की कई विशेषताएं हैं जो आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रही है. पिछले 24 सालों से हमने आपको जैसा बताया कि 26 सालों से कला क्रीड़ा शुरू हो रही है. 24वां संस्करण है, तो यानी कि एक तरफ 24वां संस्करण है लेकिन 26 सालों से शुरू है. यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला और क्रीड़ा की अलग अलग प्रतिस्पर्धाएँ होती है. कई स्कूल इसमें भाग लेते हैं और वसई विरार के इस 3 चरणों के कला क्रीड़ा में हज़ारों बल्कि 1 लाख के ऊपर तीनों में मिलाकर स्टूडेंट भाग लेते हैं. अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएँ कला और क्रीड़ा की होती है. कुछ प्रतिस्पर्धा यहाँ जारी है इसी ग्राउंड में, YMCA ग्राउंड में, जो क्रीड़ा संबंधित है, जिसमें कबड्डी, खो खो और कई ऐसी प्रतियोगिता. वहीं कला की प्रतियोगिता है वो जीजे वर्तक कॉलेज और दूसरे अलग अलग डेस्टिनेशन पर रखी गई है. यहाँ साथ ही साथ आप एक स्पेशल चीज़ देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है. कई ज़माने के पुराने वाद्य यंत्र है, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है. ये जो मंडल है, इन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ वाद्य की अभी प्रस्तुति दी है, जो आप कैमरे पर आगे देखेंगे. और यहाँ कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका की इस कला क्रीड़ा में हर साल कुछ अलग अलग कुछ नया हटके होता है, तो ये वाद्य यंत्र की प्रदर्शनी काफ़ी हटके है. और भी कई चीज़ें हैं. आज पहला दिन है, कल परसों 2 दिन और ये चलने वाला, और शुक्रवार को इस कला क्रीड़ा का समापन है. तो जुड़े रहिए हमारे साथ. कला क्रीड़ा ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी चीज़ है, और उसके लिए वसई विरार महानगर पालिका काफ़ी अच्छा प्रबंध भी करती है. यहाँ आप देख सकते हैं लाइट की भी व्यवस्था फुल है, इसी तरह वैद्य की व्यवस्था है, साथ ही साथ बच्चों के लिए खान पान की व्यवस्था, और जो चीज़ एक शारीरिक रूप से बच्चों को विकास के लिए चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है. आज के लिए फ़िलहाल हम यहीं रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ. अभी के लिए इतना ही, नमस्कार. सर, क्या कहेंगे आज वसई विरार की कला क्रीड़ा महोत्सव में शामिल होना है, क्या कैसा अनुभव? आज वसई विरार का कला क्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत हुई है. हर साल के जैसे इस साल भी बहुत उत्साह और उमंग के साथ सभी विद्यार्थियों ने उसमें सहभाग लिया है, और हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स हो या कला हो, हम यहाँ पे रंगोली का जो एग्जीबिशन रखा था उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से रंगोली सबने निकाली है, और उसी बराबर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारे स्कूल्स ने और पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. निश्चित ही यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको एक उनके खुद का प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके अंदर की कला गुणों को आगे लोगों के सामने रखने का, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म वसई विरार के सभी विद्यार्थियों के लिए है. मैं इस उपक्रम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ.
सर आप पदवीधर मतदार संघ के विधायक कोटे से विधायक है, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसा अपनी तरह से गवर्नमेंट को सजेशन करना चाहेंगे कि बच्चों के लिए और बच्चों का विकास अच्छे से हो पाए? आपको मालूम है कि केंद्र स्तर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे हो, इसकी मांग मैं राज्य शासन में ये अधिवेशन में निश्चित ही करने वाला हूँ। कुछ स्टेट्स में हो गई है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बच्चों का बहुत सारा विकास होता है, क्योंकि उनके यंगर एज में ही उनके जो उनके अंदर जो गुण हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रकार की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो बच्चों का हो पाए। ये दृष्टिकोण रख के ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, इसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन होकर बच्चों को फ़ायदा मिले, ऐसा एक प्रयास मेरे माध्यम से आने वाले अधिवेशन में रहेगा। संचलनामध्ये ज्या ज्या शाळांनी भाग घेतलेला आहे त्या सर्व शाळेच्या विद्यार्थी शिक्षकांना विनंती आहे, वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सव 26 तारखेला जो होणार आहे त्यामध्ये सुद्धा आपण सहभागी व्हा। माजी सभापती उमा पाटील यांना विनंती करतो की
साहेबांना आपण या संचलन व्यासपीठावरती विनंती करणार आहे की आपण यांना सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करायचं आहे. बीकेएस हायस्कूल माणिकपूर स्टुडंट्स कम फास्ट लवकर या स्टेजवर. बीकेएसचे अध्यक्ष बीव्हीके नंबियार यांनी सुद्धा स्टेजकडे यायचं आहे. बीकेएस शाळेच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. नंबियारची आज ऑफर आपले माजी नगरसेवक द्वितीय क्रमांकासाठी दोन शाळांना या ठिकाणी आपण बक्षीस देणार आहोत. द्वितीय क्रमांक 130 गुण प्राप्त करून 131 गुण प्राप्त करून द्वितीय क्रमांक पटकावलेले ASBS हायस्कूल सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. आणि पंकज पाटील सर आपण क्रीडा प्रतिष्ठानचे उपायुक्त आहात. थोडे स्टुडंट काही जण खालती बसा, आपला फोटो व्यवस्थित येईल सगळ्यांचा. या संचलनामध्ये ज्या ज्या शाळांनी भाग घेतलेला आहे त्या सर्व शाळेच्या विद्यार्थी शिक्षकांना विनंती आहे. वसई तालुका कलाक्रीडा महोत्सव 26 तारखेला जो होणार आहे त्यामध्ये सुद्धा आपण सहभागी व्हा. साहेबांना सुद्धा या ठिकाणी येण्याची विनंती करून शाळेचे अध्यक्ष आहेत उमेयमान शाळेचे. आणि आपण जोरदार टाळ्या वाजवून या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करूया. काही विद्यार्थ्यांनी खालती बसलं तरी चालेल, म्हणजे फोटो व्यवस्थित दिला होता. तुम्हाला खालची तिथे भेटी आहे प्लीज. दुसरा क्रमांक दुसऱ्या एका शाळेला प्राप्त झालेला आहे, त्यांना सुद्धा 131 गुण प्राप्त झालेले आहेत. दुसरी शाळा दोन क्रमांक दुसरा क्रमांक द्वितीय क्रमांक कनोसा इंग्लिश हायस्कूल. इधर एक गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं. धन्यवाद. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.